नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट के 1 ईयर करंट अफेयर्स को ख़त्म करने के बाद आज हम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्पेस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के पहले क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अनअकैडमी में जब भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज रिकॉर्ड KC10, क्योंकि जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक या कॉम्बो की सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग दी कोड KC10, तो आपको मेरे द्वारा मिलती है फ्री हैंड होल्डिंग गाइडेंस, एंड दैट गाइडेंस विल स्पैन अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA, ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक न्यूज में है डार्ट मिशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है डार्ट मिशन। तो हम कुछ वो स्पेस रिलेटेड मिशन को कवर करेंगे जो कि अक्सर आप लोग जिसके बारे में नहीं जानते हैं, जो कि हम कहीं ना कहीं नजर से हट जाता है, छूट जाता है। तो सबसे पहला है दोस्तों डार्ट मिशन। तो अर्थ को एस्टेरॉयड अटैक से बचाने के लिए नासा ने लॉन्च किया है डार्ट मिशन। डार्ट मिशन का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? पर्पस इसका अगर आप देखें वो है कि जो एस्टेरॉयड आ रही है, यदि वो पृथ्वी के तरफ डायरेक्टेड है तो उसको हम किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोलाइड करवाएं, एक स्पेसक्राफ्ट हो जो कि जाके कोलाइड करे और उस कोलिजन के बाद एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदल जाए और वो पृथ्वी के तरफ मूव ना करे, तो इस प्रकार से पृथ्वी को भी हम बचा लेंगे। तो डार्ट मिशन की बात करें दोस्तों, फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है एंड इसको लॉन्च किया गया कैलिफोर्निया से। एंड नासा का डार्ट मिशन की अगर हम बात करें तो इसका देखना है कि अगर एक बड़ा सा स्पेस रॉक अर्थ को हिट कर रहा है तो कितना मुश्किल होगा उसको अपने डायरेक्शन से मूव करवाना। तो ये स्पेसक्राफ्ट अगर आप देखें तो डाइमॉर्फोस नाम के ऑब्जेक्ट पे कोलाइड करने वाला है एंड ये भी स्टडी किया जाएगा कि कितना ज्यादा इसका पाथ एंड स्पीड ऑल्टर होता है। ये सितंबर 2022 यानी इसी साल के सितंबर मंथ में जाके अपने टारगेट को हिट करेगा। एंड इस प्रकार से आप देखें तो हम समझ सकेंगे अर्थ को हम इस प्रकार के फ्यूचर, अगर इस प्रकार में फ्यूचर में इस प्रकार का इम्पैक्ट होता है या आने वाला है तो उससे हम एक कदम आगे बढ़ेंगे बचने की ओर। तो इसकी जो लागत है दोस्तों 325 मिलियन की है एंड पेयर ऑफ एस्टेरॉयड है जो कि एक दूसरे को क्लोजली ऑर्बिट करते हैं, इस प्रकार के और कहते हैं, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं बाइनरी ऑर्बिट। तो ये बाइनरी है जो कि अगर आप देखें तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डीडीमॉस जो कि 780 मीटर का है एंड इसका कंपेनियन है डाइमॉर्फोस जो कि 160 मीटर का है छोटा वाला। ये दोनों एक दूसरे को आप अगर देखें तो ऑर्बिट करते हैं। डार्ट की वजन दोस्तों 550 किलो है एंड एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इसकी गति होने वाली है करीबन 15,000 माइल पर आर, 6.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये इम्पैक्ट करेगा। तो कहा जा रहा है कि इससे ये जो ऑब्जेक्ट है जिससे ये टकराएगा उससे कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड बदलेगी, लेकिन ये इतनी होगी कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो सकता है इस प्रकार के ऑब्जेक्ट में। तो अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं दोस्तों ओरिजिनल ऑर्बिट अगर आप देखें डाइमॉर्फोस का कैसा है, कुछ इस व्हाइट कलर के ऑर्बिट में ही मूव कर रही है और जाके इसे डार्ट मिशन जाके टकराएगी और इसके बाद ये इस प्रकार के ऑर्बिट में घूमनी शुरू हो जाएगी। किसके ऑर्बिट में? डीडीमॉस। तो डायमॉर्फोस इसके चारों तरफ घूम रही है, डीडीमॉस क्योंकि ये क्या है बाइनरी है। ठीक है, तो ये आपको जानना है दोस्तों। इसके सिवा आपको ये भी जान लें बाइनरी एस्टेरॉयड को ही क्यों चुना गया है। तो बाइनरी अगर आप परफेक्ट नेचुरल लैबोरेटरी है क्योंकि इस इम्पैक्ट से आप अगर देखें तो डायमॉर्फोस की ऑर्बिट में रफली 1% चेंज आपको देखने मिलेगा जो कि ग्राउंड में हम डिटेक्ट कर सकेंगे कुछ हफ्ते या कुछ महीने में। ये 1% का चेंज जो ऑर्बिट में हुआ ये हम ऑब्जर्व कर लेंगे। यदि कोई ऑर्बिट बहुत बड़ा होता, जैसे एस्टेरॉइड्स अगर आप देखें किसी प्लैनेट के तरफ मूव कर रहे हैं, उस प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सन के चारों तरफ घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये ऑर्बिट बहुत बड़ा है तो इसमें जो हल्का सा भी फ्रैक्शन सा चेंज आएगा वो मेजर करने में सालों लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं वो माइनर चेंज करने में। इसलिए अगर आप देखें तो बाइनरी एस्टेरॉयड को चुना गया है क्योंकि ऑर्बिट की साइज छोटी है तो जरा सी भी चेंज मेजर कुछ हफ्ते भर में हो सकती है। इसके सिवा इसमें क्या क्या पेलोड्स हैं डार्ट मिशन में? तो एक हाई रिजोल्यूशन इमेजर है जिसका नाम है ड्रैको, डीडीमॉस रिकॉग्नाइसेंस एंड एस्टेरॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन। इसके सिवा जो ड्रैको से इमेजेस लिए जाएंगे वो अर्थ भेजे जाएंगे रियल टाइम में और इम्पैक्ट साइट को भी स्टडी किया जाएगा डाइमॉर्फोस के सब के सरफेस पर जो इम्पैक्ट साइट होगा उसको भी कंटिन्यूअसली स्टडी किया जाएगा। इसके सिवा एक LICIA क्यूब सेट भी है जो कि लाइट इटालियन क्यूब सेट है जिसका पर्पस होगा एस्टेरॉयड की इमेजिंग के लिए। तो जो इमेजेस आ रहे हैं दोस्तों क्रेटर बनने के
वो इमेजेस कैप्चर होगा, कोलिजन को कैप्चर करना, वो काम कौन करेगा? LICIA क्यूब। इसके सिवा स्पेसक्राफ्ट मैनूवर्स की बात करें तो इसमें कुछ स्पेशल प्रोपेलेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन प्रोपेलेंट जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके द्वारा ये डार्ट स्पेसक्राफ्ट प्रोपेल कर रहा है, मूव कर रहा है। इसके सिवा है नेक्स्ट सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नासा इवोल्यूशनरी ज़ेनन थ्रस्टर कमर्शियल। नेक्स्ट सी एक आयन थ्रस्टर सिस्टम है। तो जो एस्टेरॉयड स्ट्राइक की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो अगर कोई डायमॉर्फोस, कोई डायमॉर्फोस के साइज की ऑब्जेक्ट अगर आप देखें जिसकी साइज है करीबन 163 मीटर, ये अगर अर्थ को इंपैक्ट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक टिपिकल न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी होगी, एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज कर सकता है यदि किसी बड़े शहर में ये एस्टेरॉयड इस साइज का गिरता है। यदि कोई एस्टेरॉयड 300 मीटर से बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा डायमीटर का है, जैसे डीडी मॉस आप देखें करीबन 780 मीटर का है, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करा सकता है। और 1 किलोमीटर के साइज का एस्टेरॉयड यदि पृथ्वी पर गिरे तो वर्ल्ड वाइड इसके इफेक्ट्स देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टारडस्ट 1.0। तो न्यूज में है स्टारडस्ट 1.0, इसको यूएस में लॉन्च किया गया है, एंड ये पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च है जिसमें रॉकेट को लॉन्च करने के लिए बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, बायोफ्यूल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जाहिर सी बात है, अब जो ये पेलोड कैरी करेगा दोस्तों, बहुत बड़ा पेलोड नहीं है, तो ये स्टूडेंट एंड बजट पेलोड्स यानी स्मॉल साइज के क्यूबसैट्स वगैरह को कैरी करने में सक्षम रहने वाला है। जो रॉकेट है दोस्तों, ये मैन्युफैक्चर की गई है ब्लू शिफ्ट के द्वारा, तो याद रखिएगा कंपनी ब्लू शिफ्ट ने मैन्युफैक्चर किया है, एंड ब्लू शिफ्ट अगर आप देखें तो ये रॉकेट्स डेवलप कर रही है जो कि बायो डिराइव्ड फ्यूल से रन कर सके। ये एक प्राइवेट कंपनी है यूएस की, ब्लू शिफ्ट, जिन्होंने लॉन्च किया है। और ये रॉकेट अगर आप देखें तो मैक्सिमम पेलोड मास 8 kg का कैरी कर सकती है, एंड पेलोड्स इसमें क्यूबसैट इसने कैरी किया है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने बनाया है, एंड एक मेटल एलॉय जो कि वाइब्रेशंस को कम कर सके वो भी कैरी कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूट्रिनोज एंड स्टार डेथ। तो IIT गुवाहाटी की बात अगर करें दोस्तों, तो वहां से कैसे न्यूट्रिनोज रिलीज, न्यूट्रिनोज का क्या रोल होता है एट द टाइम ऑफ ड्रामेटिक डेथ ऑफ मैसिव स्टार्स, उसको स्टडी किया है IIT गुवाहाटी के एक रिसर्च ने। तो आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, एक स्टार बनने के बाद यदि वो लो एंड मीडियम मास का स्टार होता है जैसे कि सन, तो उसकी लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार होती है। वो रेड जायंट बनता है, फिर प्लैनेटरी नेबुला बनता है, फिर व्हाइट ड्वार्फ बनता है, और लास्ट में ब्लैक ड्वार्फ बनता है। वही दोस्तों कोई स्टार है जो कि बहुत ज्यादा मैसिव है, काफी ज्यादा मास वाला है, तो वो अगर आप देखें तो ओल्ड स्टेज में रेड सुपर जायंट बनता है, फिर सुपरनोवा बनता है, फिर वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बन सकता है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो कई स्टार अगर आप देखें जो कि मैसिव होते हैं, वो अपने एंड ऑफ द लाइफ साइकिल में आप देखें तो सुपरनोवा बनते हैं, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जिसमें अगर आप देखें तो जो आउटर लेयर्स हैं उस स्टार के वो बाहर की तरफ शूट करते हैं। तो इसी में अगर आप देखें तो कई ज्यादा ऐसा देखा गया है सुपरनोवा की जो एनर्जी है वो न्यूट्रिनोज के द्वारा कैरी कर ली जाती है। तो यहाँ पे जरूरी है न्यूट्रिनो क्या होता है वो भी आप जान लीजिए, ये IIT गुवाहाटी का रिसर्च था जो मैंने आपको बताया। तो न्यूट्रिनो क्या होता है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब तो आप जानते ही हैं, ये टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम बनते हैं। न्यूट्रिनो अगर आप देखें तो वैसा ही एक टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन ये एटम का पार्ट नहीं है। न्यूट्रिनो अगर आप देखें तो इसका बहुत टाइनी मास होता है, याद रखिएगा न्यूट्रिनोज आर नॉट मासलेस, ये मासलेस नहीं होते, इनमें मास होता है भले बहुत कम होता है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता और इनमें हाफ स्पिन देखने मिलता है। इसके सिवाय ये बहुत वीकली विद अदर पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं। न्यूट्रिनोज कहाँ से देखे जाते हैं पृथ्वी में? सन से देखे जाते हैं, अन्य स्टार से देखे जाते हैं, कॉस्मिक रेज से देखे जाते हैं, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम जो आ रहे हैं, इसके सिवा अर्थ के कोर से भी रिलीज होते हैं, इसके सिवा लैब में भी न्यूट्रिनोज बनाए जाए जा सकते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के मदुरई से 110 किलोमीटर दूर थेनी डिस्ट्रिक्ट में बोधी वेस्ट हिल में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगाई जानी है, इसके लिए प्लान चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगाई जाएगी INO, जो कि 1 किलोमीटर के पहाड़ से चारों तरफ से घिरा होगा, एंड उसमें अगर आप देखें तो बीच के कोर में पहाड़ के अंदर में डाला जाएगा INO। तो इसमें आयरन कैलोरी मीटर होगी जो कि आप देखें तो इस प्रकार से न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर सकेगी। तो ये कहाँ पे है? थेनी में है, तमिलनाडु में वेस्ट बोधी हिल्स में। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी ये विवादित भी है, NGT के इश्यूज में भी फंसा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ये टाइगर वाले हैबिटेट को एनक्रोच कर रहा है, तो इस वजह से भी ये न्यूज में बना रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों WR स्टार्स, वुल्फ राइट स्टार्स। तो ये क्या है?
तो एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ने एक रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन को रिकॉर्ड किया है। और उनका कहना है कि ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुई है, ये कोई ऐसे वैसे स्टार से नहीं, ये बल्कि वुल्फ रेयत स्टार से हुई है। तो ये क्या होते हैं वुल्फ रेयत स्टार, अगर आप देखें तो ये वन ऑफ दी हॉटेस्ट काइंड ऑफ स्टार्स हैं। तो ये हॉटेस्ट काइंड ऑफ स्टार्स होते हैं, ये हाईली ल्यूमिनस यानी बहुत ज्यादा चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन से भी थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा तेजी ब्राइटनेस से ये चमकते हैं। इसके सिवा दोस्तों अगर हम नॉर्मल सन जैसे स्टार में देखें तो आउटर लेयर हाइड्रोजन का होता है, फिर हीलियम है ना, हाइड्रोजन हीलियम में बन रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई स्टार अपने लाइफ साइकिल के एंड में आ जाता है तो वो एडवांस स्टेज में जाने लगता है, वो कार्बन पे रन करना शुरू करता है, फिर नियॉन, तो फ्यूजन में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन खत्म करता है, फिर हीलियम खत्म करता है। तो वैसे ही वुल्फ रेयत स्टार अगर आप देखें तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे ही ये स्टार मरने लगता है तो आप इसमें देखेंगे तो ये अपने आउटर हाइड्रोजन लेयर को स्ट्रिप कर चुका है, खत्म कर चुका है, एंड ये ऑक्सीजन के द्वारा फ्यूल होता है। तो वुल्फ रेयत स्टार्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें आप देखें तो हीलियम हाइड्रोजन बन के फ्यूज होके हीलियम बनता है, उससे ये स्टार संचालित नहीं होते हैं। इनकी बात अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन पे चलते हुए आपको दिखेंगे। तो वुल्फ रेयत स्टार्स अगर आप देखें तो ये स्टार अपने फाइनल स्टेज में बनता है कुछ इस प्रकार से, वुल्फ रेयत स्टार्स एंड एटलीस्ट 20 टाइम्स मोर मैसिव देन सन जो स्टार्स होते हैं वही वुल्फ रेयत भी बन सकते हैं। इसके सिवा ये ऑफन सुपरनोवा में एंड होते हैं या फिर जैसा मैंने बताया बड़ा स्टार है तो वो ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ इस प्रकार से। तो वुल्फ रेयत स्टार अगर आप देखें दोस्तों तो सन की बात करें तो वो तो हाइड्रोजन को हीलियम बनाता है और एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन वुल्फ रेयत की बात करें तो ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है एंड उसी से फ्यूजन भी कर रहा है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्वायर किलोमीटर एरे। तो 4 फरवरी को स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल ने आप अगर देखें तो अपना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप को एस्टैब्लिश किया है। तो ये अगर आप देखें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम यूके में है। तो याद रखिएगा स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेडक्वार्टर यूके में है। अगर हम SKO की बात करें तो इसमें 10 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, इंडिया भी है। तो ये आपको याद रखना है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इटली है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, स्वीडन है, नीदरलैंड्स है, यूके है। कौन नहीं है, यूएसए नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें यूएसए नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो यूजुअली यूएसए आपको देखने मिलता है लेकिन यूएसए इसमें नहीं है, लेकिन चाइना है और इंडिया भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक रेडियो टेलीस्कोप का एरे यानी कई रेडियो टेलीस्कोप इस प्रकार से दूर दूर तक बिछा रहे हैं। तो रेडियो टेलीस्कोप क्या होते हैं, तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप अगर आप देखें तो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो ऑप्टिकल पार्ट है जो कि विजिबल पार्ट है कुछ उनमें काम करते हैं। रेडियो टेलीस्कोप वहीं अगर आप देखें तो इनविजिबल रेडियो वेव्स को भी डिटेक्ट करते हैं और उसे भी एम्पलीफाई कर लेते हैं, और इस प्रकार से स्पेस में वो इलाके जहां पे विजिबल स्पेक्ट्रम वाले कंपोनेंट के लाइट नहीं आ पा रहे हैं, कॉस्मिक डस्ट से ऑब्स्क्योर हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकता है, तो वो उसको भी देखने में सक्षम हो जाते हैं क्योंकि ये इनविजिबल रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। तो SKA टेलीस्कोप अगर आप देखें तो ये लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड है। इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है एंड इसकी जो ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस होगी ये अगर आप देखें तो SKO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ही इसको अंडरटेक करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों टियानवेन वन। तो चाइना के मार्स मिशन की बात हो रही है, चाइना का टियानवेन वन प्रोब है, तो उसकी बात करें तो उन्होंने सक्सेसफुली मार्स का ऑर्बिट कर लिया है एंड 6.5 मंथ जर्नी फ्रॉम अर्थ के बाद वो जाके वहां पर पहुंचे हैं। तो चाइना का फर्स्ट मार्स प्रोब है, उसी का नाम टियानवेन वन है। स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है, एक रोवर है एंड लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसकी लैंडिंग साइट अगर आप देखें तो यूटोपिया प्लैनिटिया है जो कि क्या है, मार्स में एक वास्ट प्लेन है। यही वो जगह है जहां पे नासा के वाइकिंग 2 मिशन भी लैंड किया था। तो चाइना इसके साथ तीसरी वो देश बन चुकी है जिसने मार्स में लैंडिंग अचीव किया है। बाकी दो देश कौन से हैं, यूएसएसआर और दी यूनाइटेड स्टेट्स। इसके सिवा इसके 5 कोर साइंस ऑब्जेक्टिव हैं टियानवेन वन के। सबसे पहला है दोस्तों जियोलॉजिकल मैप ऑफ मार्स को पढ़ना है, बनाना है। नेक्स्ट है मार्शियन सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक को जानना है, वाटर आइस डिपॉजिट जाननी है। उसके बाद अगर आप देखें तो सरफेस मटेरियल कंपोजिशन जानना है। इसके बाद आप देखें तो मार्शियन एटमॉस्फेयर को जानना है। फिर अगर आप देखें तो क्लाइमेट उसके बाद अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड को भी मार्स की हमें बेहतर जाननी है। तो मार्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फोर्थ
प्लैनेट फ्रॉम दी सन है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ दी सोलर सिस्टम है, अर्थ की तुलना में आधे साइज का है। इसके सिवा यहाँ पे लार्जेस्ट वॉल्केनो इन दी सोलर सिस्टम भी देखने मिलता है, जिसको कहते हैं ओलंपस मॉन्स। ये अगर माउंट एवरेस्ट की तुलना में कंपैरिजन करें तो 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, 3 times टॉलर है। बाकी मार्स में बहुत ही थिन एटमोसफेयर है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन गैसेस का बना हुआ है। इसके सिवा जो मार्स का मैग्नेटोस्फीयर है, वहां पे अगर आप देखें तो बहुत वीक है, क्योंकि उसमें खास मैग्नेटिक फील्ड देखने नहीं मिलती। लेकिन मार्शियन क्रस्ट में, स्पेशली सदर्न हेमिस्फीयर में, कुछ इलाकों में हाईली मैग्नेटाइज्ड ट्रेसेस आपको देखने मिलते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड के ट्रेसेस भी देखने मिलते हैं। तो मून की बात करें दोस्तों, मार्स के 2 मून है, फोबोस और डीमोस, जो कि प्रोबेबली कोई कैप्चर्ड एस्टेरॉयड होंगे। मार्स के ही बारे में दोस्तों और बात कर लेते हैं, तो होप यूएई मिशन है हमारा। तो ये अगर आप देखें तो होप यूएई मार्स मिशन है, एंड ये फर्स्ट अरब इंटरप्लैनेटरी मिशन है जो कि मार्स ऑर्बिट को रीच किया है, एंड इसके द्वारा मार्स के जो सीक्रेट्स हैं उसको अरब वर्ल्ड भी अब एक्सप्लोर कर रही है। तो अनमैन्ड स्पेस प्रोब का एक्चुअल नाम है दोस्तों अल अमाल, इसका इंग्लिश मीनिंग है होप, उम्मीद। तो अल अमाल इज वॉट इट्स नेम इज इन अरेबिक। इसके सिवा आप अगर देखें होप मिशन क्या है, मार्स ऑर्बिटर इज अ मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट, जो कि अगर आप देखें तो मार्स के चारों तरफ ऑर्बिट करने वाला है, लैंडिंग नहीं हो रही है। याद रखिएगा, लैंडर नहीं है, लैंडिंग नहीं है, बस ऑर्बिट करेगा। तो मार्स का जो थिन एटमॉस्फेयर है उसको ये स्टडी करेगा, एंड ये पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा अरब वर्ल्ड के लिए। तो होप ऑर्बिटर अगर आप देखें तो इसकी मिशन लाइफ 1 ईयर की है, जो 1 मार्स मार्शियन ईयर की है, जो कि अगर हम अर्थ की तुलना में देखें तो 2 अर्थ ईयर हो जाती है। इसके सिवा होप के 3 अन्य ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कि जो मार्स का क्लाइमेट है उसको स्टडी करना, वहां के ग्लोबल वेदर मैप को बनाना, एंड स्पेशली मार्स के लोअर एटमॉस्फेयर को पढ़ना। इसके सिवा जानना ऐसा क्या हुआ, क्यों मार्स से अगर आप देखें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एस्केप कर रहे हैं, और ये कैसे अपर एटमॉस्फेयर में जाके देखने मिल रहे हैं। इसके सिवा कैसे ये अपर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, और क्यों मार्स अपने गैसेस को स्पेस में लूज कर रहा है। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम देखें तो इसका जो सिग्निफिकेंस है होप मिशन का, वो ये है कि दोस्तों अगर हम मार्स की बात करें तो हम सब जानते हैं एक टाइम था जब ये हैबिटेबल हुआ करता था, लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ज्यादा सिग्नेचर्स हैं नहीं, स्पेशली फ्लोइंग अब ज्यादा कुछ है नहीं, जो कि अब लाइफ जाहिर सी बातें एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन पास्ट सिग्नेचर्स हैं हैबिटेबिलिटी की। जैसे आप देखें तो फ्लोइंग वाटर के निशान यहाँ पर हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कहता है कि पास्ट में यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट था जब लाइफ सस्टेन हो सकती थी। तो उसी को स्टडी करना है, उसी को अंडरस्टैंड करना है कि मार्स में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो जीवन वहां से खत्म हो गई, और क्या ये फ्यूचर अर्थ की भी हो सकती है। तो वो भी होप यूएई मार्स मिशन में स्टडी की जाएगी। तो दोस्तों अनअकैडमी, जैसा आप देख सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड इनके द्वारा बनाया गया सारा कोर्स आपको अनअकैडमी में अवेलेबल है। अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके सामने QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए और एनरोल नाउ बटन पे दबाइए और अपने रोल नंबर शेयर कीजिए। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं। इसके सिवा प्राइस राइज होने वाली है 20% तक की, तो इसका फायदा उठाएं इससे पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें। और साथ में कौन सा कोड लेंगे, KC10, क्योंकि जब आप एक कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। इसके सिवा CSE एश्योर प्रोग्राम है, जिसमें 2 ईयर्स एंड अबव सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप अगर देखें तो हम आपको 1 साल की एक्सटेंशन भी देते हैं, यदि आप मन मुताबिक रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ, 7,500 रुपए जिनकी कीमत है, तो ये भी आपको अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन। इसके सिवा GS मेगा कॉम्बैट है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं May 29 सुबह 11 बजे है, तो इसमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। साथ साथ दोस्तों जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है इसमें लाइव मेंटरशिप मिलती है, मेन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी होता है। जो कीमत है दोस्तों 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की इस वक्त 46,791 रुपीज, और 1 साल की आइकनिक की 67,041 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 27,500 रुपए, एंड अगर आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं तो ये कम होके हो जाएगी 24,750 रुपए यूजिंग द कोड KC10। तो 0% EMI पे आपको हम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है। बाकी मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, संडे टू थर्सडे आप देख सकते हैं हमने रन किया है मॉक टेस्ट के प्रीलिम्स, साथ ही साथ प्लस कोर्स डिटेल्स है जिसमें एनवायरमेंट, ज्योग्राफी हमने रन किया है,
और आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमने डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं आपके लिए, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और डाउट्स को दूर कर सकते हैं। UPSC बैचेस भी हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनका भी फायदा उठाएं, इन सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो। इसके सिवा ऑप्शनल कार्निवल है, 14+ ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रही हैं, आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, PBAD, सोशियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम रन कर रहे हैं, तो इनका फायदा उठाएं, मेक श्योर आप इन सभी में एनरोल कर रहे हैं। बाकी अनअकैडमी आप देख सकते हैं दोस्तों, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने की, आवर्स ऑफ लर्निंग जैसे आप चाहें जब चाहें तब आप पढ़ सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग भी आपको मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।